जो अपने छोटे से इलाके को बचाने के लिए अपनी जानें दे रहे हैं वो आतंकवाद है, वो टेररिस्ट हैं। उनके पास खाने पीने की चीजें नहीं रह गई, उनकी करंट सप्लाई बंद कर दी गई, उनका पानी बंद कर दिया गया, फिर भी वो आतंकवाद है। मेरे अजीजों, ये दुनिया का दुगला मेयार देखो आप। रशिया पूरे यूक्रेन को तबाह करता रहा, पूरा राख में बदल दिया। इन जालिम कुत्तों की जुबान पर कभी नहीं आया कि रशिया आतंकवाद है या रशिया टेररिस्ट है। ये मीडिया में भोंकते रहे रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, जमीन का मसला है। अरे हजारों लोगों को रशिया राख में बदल कर रख चुका है, क्यों नहीं बोलते उसके मुताल्लिक, क्यों नहीं कहते कि वो आतंकवाद है? इसलिए कि ये जालिम दज्जाली मीडिया जितने हैं, इन्हें पता है इनके बाप दादाओं से बड़ी ताकत उसके पास है। करता हूँ मुसलमानों, आज जागने की बात है। रब्बुल इज्जत को गिड़गिड़ा कि मौला, अगर हमारे बुरे आमाल की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से हमारे भाइयों पर अगर ये आफत आई है तो मैं तौबा करता हूँ, मैं बाज आता हूँ मौला, मैं अपनी हरकतों से तौबा करता हूँ। आज तुम्हें पता है ये आज का हादसा नहीं, इस दुनिया को मैं जितना कोसूं कम है। जो दुगली पॉलिसी रखते हैं, जो डबल स्टैंड रखते हैं, इनको जितना बोलूं कम है। मैं डरता नहीं हूं इस बात, ऐसी रातें वो गुजारते हैं। माँ रात को अपने बच्चे को गले से लगा कर सोती है, उसको यकीन नहीं होता सुबह तक मेरा लाल मेरे साथ रहे। उन्हें पता भी नहीं उनके दरवाजों पर मौत दस्तक दे रही, 5,000 से ज्यादा रॉकेट दाग करके अभी भी खत्म नहीं किया गया। और जुल्म इतना होने के बाद हैरत होती है इस दुगली दुनिया पर। मीडिया में बार बार ये कहा जाता है उन आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है, आतंकवादियों को नीस्त नाबूद किया जा रहा है, जिनकी जमीन पर 70 साल से कब्जा करके बैठा है। दुनिया उस पर कुछ नहीं बोलना चाहती।